नमस्कार दोस्तों, वीआर क्रेडिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि एक जिप फाइल कैसे बनाते हैं और उसको हम इजीली बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे बना सकते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक इमेज की ज़रूरत है, तो हम सबसे पहले एक इमेज ले लेंगे। सो यहाँ से हम एक इमेज इम्पोर्ट यहाँ से ट्रैक करके फोटोशॉप में छोड़ देते, तो ये फोटोशॉप में आ चुका है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पहले डिज़ाइन बनाना है हमें, और किस पे मतलब जिप में क्या दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं यहाँ पे, और कस्टम शेप टूल पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ले लेते दिल। ठीक है, यहाँ पे हम न्यू लेयर लेंगे, यहाँ से क्लिक करके न्यू लेयर लेंगे और यहाँ से हम एक शेप बना लेंगे और इसको हम रेडी रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, एंड इसको हम कॉपी कर दें, ऑल्ट दबा के हम इसको जब ड्रैग करते हैं देखिए तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जितने चाहे इसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कितने भी कॉपी करना चाहते वो कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसको एडजस्ट कर ले थोड़ा सा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा करूँगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस टी। ठीक है, इस पे कर देता हूँ कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी। आप चाहे इसमें कलर फिल कर सकते हैं, इसमें कलर अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ये कलर है, हम इसमें ऑल्ट ऑल्ट क्लिक करके हम जब इसमें यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जाके हम जैसे कि ये वाला कलर दे देते और ऑल्ट प्लस बैक स्पेस हम इसको ये कलर देते और फिर हम इसमें एक दो कलर चेंज कर देते हैं, इस पे कलर चेंज कर देते हैं इस वाले को। तो इस पे हम फिर से जाएंगे ऑल्ट दबा के, अब जब इस लेयर पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से जाके लोड सिलेक्शन पे लोड सिलेक्शन करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी दिखा देता हूँ, कंट्रोल प्लस डी सिलेक्शन हट जाएगा। उसके बाद आप जाएँ यहाँ पर लोड सिलेक्शन, लोड सिलेक्शन पर क्लिक करें एंड ओके। अब जो ओके करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो हम इस पे यहाँ से हम दूसरा कलर दे देते हैं, हम इसको येलो कर देता हूँ। अब अपने हिसाब से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस एंड कंट्रोल प्लस डी से हटा देंगे उसको सिलेक्शन। अब फिर से हम करते हैं इसको और फिर दूसरा कलर दे देते हैं, हम इसका दे देते ग्रीन कर देते थोड़ा सा, इसको ग्रीन कर देता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ कोई दूसरा कलर कर देता हूँ इस पर। और इसके बाद हम इस पर काम करेंगे, हम इसको कर देता हूँ रेड, रेड ऑलरेडी है तो हम इसको ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल से हम इसको कर देता हूँ और कंट्रोल डी से ये सिलेक्शन हट जाएगा। अब ये क्या करना है, यहाँ से जाके और नीचे वाले लेयर इसको हम शिफ्ट से क्लिक करेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डी भाई, यहाँ पे देखिए ये, इसको हम रोटेट करेंगे थोड़ा सा, यहाँ से हम इतने पे रोटेट करेंगे। आप देख लीजिए कितना आपको रोटेट करना है, उसके हिसाब से आप रोटेट कर सकते हैं, इतना रोटेट करेंगे। ठीक है, इतना रोटेट करेंगे और उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे ये हमारा कहाँ पे है, थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसके हिसाब से आप एडजस्ट छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट करें और थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से कर दे। ठीक है, इस पे कर देता हूँ इस पे, और मैं इस पे थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इस पे इस वाले पे मैं कर देता हूँ और एक कॉपी, और मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया, हम इस पे कर देता हूँ रेड कलर फिल कर देता हूँ इस पे। ठीक है, ये वाला दूसरा कोई और कलर डाल देता हूँ, ऑरेंज ये हम दे देते, ग्रीन कर देता हूँ। ठीक, ग्रीन कर देता हूँ। ओके,
तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इस पे क्या करेंगे, हम इस पे हम क्या करेंगे, प्रोसेस को छोटा कर देता हूँ, इसको एनिमेट करेंगे। ठीक है, तो एनिमेट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है विंडो पे। अब विंडो पे जाके एनिमेशन, ठीक है, ये CS5 है, CS5 फोटोशॉप है। आप अगर CS5 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे एनिमेशन का यहाँ पे ऑप्शन होगा, एनिमेशन ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकते हैं। अगर नहीं तो अगर अगर आपके पास CS6 है तो उसके वहाँ पे टाइमलाइन का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। जब यहाँ पे करेंगे देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ चुका है, ठीक है, ये ऑप्शन आ चुका है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो आपने जो बनाया लेयर इसको सबको ऑफ कर देना है। ठीक है, जब यहाँ पे ऑफ कर देंगे तो ये पूरा हट जाएगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं यहाँ से भी हट चुका है। अब यहाँ पे दे दीजिए यहाँ से सेकंड, 1 सेकंड कर दीजिए और यहाँ पे न्यू लेयर बनाए, ठीक है, न्यू लेयर और इसको ऑन कर दे। एक को ऑन कर दिया, फिर न्यू लेयर, सेकंड ऑन, फिर उसके बाद फिर न्यू लेयर, ये वो बारी बारी से ये सारा कर दे, ठीक है, कर दिया। तो फिर न्यू लेयर यहाँ पे करके न्यू लेयर, ठीक है, उसके बाद ये, फिर न्यू लेयर आ चुका है, फिर न्यू लेयर, फिर ये देखिए ये हमारा हो चुका है। ठीक है, हम इसको अगर हम चलाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सेव करना है, हमें इसको वेब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हमें सेव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेव ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे सेव फॉर वेब डिवाइस यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस आ चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे JPG, PNG एंड GIF है। तो आपको क्या है ना, GIF बनाना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर ले, ठीक है, सिलेक्शन यही रहने दे और डिफ्यूज़न यही है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, आप उसके बाद मोशन कलर यही रहने दे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, सेव, ठीक है, यहाँ पे सेव करेंगे। आप यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो मैं जीप दे देता हूँ, ठीक है, इसके लिए एंड ओके, ठीक, ये सेव हो चुका है। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा डेस्कटॉप पे आ चुका है, हम जीप के नाम से देखें, यहाँ पे ये जीप के नाम से आ चुका है। ठीक है, हम यहाँ पे जब डबल क्लिक करेंगे तब देखिए ये इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप भी बहुत ही इजीली बना सकते हैं, क्लोज ऑल टैब, ठीक है, आप बहुत इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर ले, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड टेक केयर।